हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूँ स्वाति एंड आज जिस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ, मुझे लगा जितनी जल्दी ये चीज़, ये जो टॉपिक है या जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, जितनी जल्दी ये लोगों तक पहुँच जाए उतनी ज़्यादा ये जो है ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। एंड लाइक सबसे पहले तो मुझे शॉक हुआ कि ऐसा भी होता है। एंड उसके बाद जब मैंने इस पर रिसर्च करी थोड़े दिन, मतलब ऐसा नहीं कि सदियों से कर रही हूँ, दो तीन दिन मैंने इस पर रिसर्च करी तो मुझे देखने को मिला ये कि मुझे लेट पता लग रहा है, लेकिन मतलब मुझे इसका आइडिया था लेकिन मैं किसी और एंगल में सोच रही थी क्या है। मैं अभी डिटेल में जा रही हूँ, जैसे मैंने थंबनेल में भी आपको आइडिया दे दिया है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, आजकल हर चीज़ का लोगों ने बिज़नेस बना रखा है। एंड हम लोग बात करते हैं सेफ्टी ऑफ गर्ल्स, यहाँ पे अब इस दुनिया में सेफ्टी ना गर्ल्स के लिए है ना बॉयज़ के लिए है, या ना वुमेन के लिए है ना मैन के लिए है, कोई भी सेफ नहीं है, कोई भी। तो जो चीज़ मैं अभी शेयर करने वाली हूँ, ये इशू बहुत सेंसिटिव है मेरे ख्याल से। शायद इस चीज़ के बारे में आज तक मैंने तो कभी यूट्यूब पर कोई इन्फॉर्मेशन देखी नहीं है। मैं इसको इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि ये इंसिडेंट होने के बाद भी ये जिसने किया है या जो भी गलतियां हैं, किसी ने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया एंड वो अपनी जो लाइफ है एज यूजुअल जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जी रहे हैं। नाउ द स्टोरी इज़, एंड इट्स नॉट अ स्टोरी, इट्स अ रियलिटी, बट आई एम टेलिंग यू इन अ वे ऑफ अ स्टोरी। तो एक स्कूल है यहाँ पे ही, एंड ऐसे बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा हो रहा है, आप न्यूज़ में देखते रहते होंगे, लेकिन ये तो अल्टीमेट वाला केस है। सो नाउ द स्टोरी इज़, एक स्कूल में एक टीचर का रोल क्या होता है कि बच्चों को वो मोटिवेट करे, कुछ सिखाए, ना कि गलत राह में उनको चलने के लिए एनकरेज करे। लेकिन जनरली आप अगर देखेंगे कुछ मूवीज़ भी आई हुई हैं रियलिटी पे बेस होके, जहाँ पे लड़कियों को हरास किया जा रहा है स्कूल में कि तुमको अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं और अपने पेरेंट्स को आप नहीं दिखाना चाहते हैं, और इफ़ यू वॉन्ट टू शो गुड मार्क्स टू देम, देन टीचर बोलता है लड़की को कि यू हैव टू लिसन वॉट एवर आई से, आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई एम ट्राइंग टू से। सो अब तक हम सोच रहे थे शायद कि स्कूल्स या कहीं पे भी लड़कियों को प्रोटेक्शन ज़रूरी है, लड़कियों को प्रोटेक्शन देना बहुत ज़रूरी है, बट यहाँ पे केस कुछ उल्टा है। एक टीचर, एक सर क्या कर रहे हैं स्कूल में, नियरली अब सेवेंथ ईयर है कि एट्थ ईयर है, वो लड़कों के स्पर्म को कलेक्ट करके डब्बों में अलग अलग कलेक्ट करके ही इज़ डूइंग बिजनेस। एंड ये करते करते एक ही स्कूल में उनको 5 साल से ऊपर हुआ, और 5 साल के बाद जब ये पता लगा, वो भी जिनके साथ वो कर रहे थे उसमें से एक लड़के को जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसको लगा कि ये क्या है, वॉट इज़ दिस, छी काइंड ऑफ फीलिंग आई उसको। एंड उसके बाद उनके स्कूल में पता लगा, एंड उसके बाद वो वहाँ स्कूल से निकल गया, अपने आप से निकल गया, वो बोल रहा है अपने आप से निकल गया है, बट उसको निकाल दिया गया। एंड वो जहाँ पे भी जाता है ही सेज़ दैट मैंने वो स्कूल से रिज़ाइन कर दिया फॉर सो एंड सो रीज़न, मतलब डिफरेंट डिग्निटी वाले रीजंस जो होते हैं वो रीजंस दे के, एंड ही इज़ वर्किंग समवेयर एल्स नाउ। एंड वहाँ पे वो क्या कर रहा है, वही कर रहा है क्या, क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। बट जब ऐसी चीज़ों को एनकाउंटर करते हैं तो एक पेरेंट्स किसी को कंप्लेंट दे के नहीं छोड़नी चाहिए, उनको तो सलाखों के पीछे डाल देना चाहिए। सो वॉट ही वॉज डूइंग, लेट मी एक्सप्लेन, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाई आई एम टेलिंग दिस, क्योंकि हम सबके बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, चाहे छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। हमने रिसेंटली कुछ दिन पहले भी देखा था, एक 9 मंथ्स की बच्ची जो जब तक पेट में थी तब तक सेफ थी, लेकिन एक 9 मंथ्स की बच्ची का भी एक दरिंदे ने रेप करके मार डाला। तो मतलब डेस्परेशन तो लोगों में इतनी ज़्यादा हो गई है, जिसका रीज़न एक ये है जो मैं अभी बता रही हूँ। तो वो सर, जब उनको सर बोलना भी एक पाप लग रहा है मुझे, तो वो इंसान क्या करता था समहाउ लड़कों से, अभी देखिए मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ आपको। अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल में 4-7 लोग बैठे हैं, तो अगर किसी एक ने क्वेश्चन पूछा कि आपको कौन सी हीरोइन पसंद है, चारों में से मैक्सिमम सभी जवाब नहीं देंगे, उनमें से कोई एक तो जवाब देगा कि मेरी फेवरेट हीरोइन ये है। तो उसका मतलब मैं यही लगा रही हूँ, अभी किसी को अपने
चंगुल में फंसाना है तो कुछ ना कुछ करके, कैसे इंसान, हर एक इंसान फंसने के लिए तो वे नहीं होता। अभी मेरे को कोई आके बहला फुसला दे तो मैं तो उल्टा तमाश लगा के उसको लाइन पे ले आऊँ, मेरा एटीट्यूड ऐसा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जल्दी जवाब नहीं दे पाते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि वो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, तो वो जो ऐसे लोगों को ही पकड़ते हैं उनका रिएक्शन के हिसाब से। तो अगर उस एक लड़के ने बोल दिया कि भैया मेरी फेवरेट हीरोइन तो ये है, तो उस इंसान को जिसने पूछा उसको पता लग जाएगा भैया इसको तो इस चीज़ में इंटरेस्ट है। ऐसे लोगों को वो लोग पकड़ के ले जाके अपनी बातों में फंसा के ऐसी सारी चीज़ें कराते। तो वो क्या करता था वो इंसान, उसने जो है ऐसे कुछ नियरली एक स्कूल में 5-10 लड़कों से अपना कांटेक्ट बढ़ाया धीरे 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 करके, कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्या, ये है वो है वो है करके कुछ 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 बोल के अपना कांटेक्ट बढ़ाया उन लोगों से। एंड उसके बाद ही मेड देम लर्न मास्टरबेशंस। अगर आपको मास्टरबेशंस नहीं पता है तो यू कैन गूगल इट, जिससे कि स्पर्म बाहर निकलता है। तो आपको जैसे मालूम है अभी IVF वाली जो बच्चे पैदा करने के लिए IVF के जो प्रोसीजर होता है वो भी चलता है, जिसमें अगर एक लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उसमें लड़की को चाहिए होता है किसी जेंट का स्पर्म। तो वो स्पर्म भी जो भी दे रहा है वो भी कॉस्ट लेता है, वो सब मतलब देर इज़ अ बिग स्टोरी ऑल अराउंड। सब कुछ अगर मैं बताने इसी में शुरू कर जाऊँ तो ये वीडियो एनफ नहीं होगा। अगर आप कुछ डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। इस वीडियो के बाद बेशक मुझे नेगेटिव कमेंट का तो आई डोंट बॉदर, बिकॉज आई एम स्प्रेडिंग इन्फॉर्मेशन हेयर जो हर इंसान को, हर पेरेंट को, हर छोटे से छोटे बच्चे को, हर बड़े से बड़े लड़की या लड़के को, हर किसी को पता होना चाहिए कि आपको गलत चंगुल में नहीं फंसना है। तो उसने चंगुल में फंसाया एंड उसने उन लोगों को, उन लड़कों को सिखाया कि मास्टरबेट कैसे करते हैं। एंड जैसे ही आपका स्पर्म आता है उनको डब्बे पकड़ा दिए, वॉशरूम्स में जाके इसको भर के मुझे दे दो करके। सो ये सेम चीज़ जो है करीबन उसने 5 साल करी। 5 साल के बाद जब एक लड़के ने ये रिएक्ट किया तब उसके जो है वाट लग गई, बट स्टिल ही इज़ यू नो लीडिंग इज लाइफ वेरी ईजीली। तो वो कौन है वो बताने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने भी उसकी शक्ल नहीं देखी, आई जस्ट रेड इट एंड किसी ने मुझसे इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करी थी तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट इज़, रेप केसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों ज़्यादा डिस्परेशन बढ़ रही है। अगर आप किसी बच्चे को जिसको पता भी नहीं है कि वॉट इज़ सेक्स, वॉट इज़ मास्टरबेशन, वॉट इज़ सेटिस्फैक्शन, वॉट इज़ स्पर्म, अगर आप उसको बेटा अगर आप उसको वो सारी चीज़ें सिखा रहे हैं भैया ऐसे करने से ये वाला बहुत अच्छा फील आता है, जब उसको वो आदत पड़ जाएगी एंड एक पॉइंट के बाद जब वो उसको वो चीज़ नहीं मिलेगी तो व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट, इट इज़ रेप। क्योंकि कल को अगर आप उसको एक चीज़ सिखा रहे हो एंड उसके साथ बहुत चीज़ भी सिखा रहे हो तो वो आप उस इंसान को डेस्परेट बना रहे हो, मेंटली वीक बना रहे हो कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वो इंसान स्कूल में यही कर रहा था। ये चीज़ बाहर कैसे निकली, जैसे मैंने आपको बताया एक लड़के ने रिएक्ट करा आफ्टर 5 ईयर्स। सो 5 ईयर्स में उसको कितना बार ऐसा गिल्ट फील हुआ वो तो आई डोंट नो, बट 5 ईयर्स के बाद अगर उसने अपनी चुप्पी तोड़ी है तो दैट मीन्स ही डिड नॉट लाइक इट समवेयर डीप इन हिज हार्ट, कहीं ना कहीं उसको पसंद नहीं आया। सो नाउ माई पॉइंट इज़, आपको पता तो चल गया मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट, मैं किसके बारे में बता रही हूँ वो तो पता चल गया। अब आपको क्या करना है, अगर एक लड़के ने 5 साल के बाद उसको बताया है, यानी कि 5 साल के बाद उसने बताया तो 5 साल पहले उसकी एज क्या थी, तब वो शायद छोटा था या उसके पेरेंट्स उसके साथ इतने फ्रेंडली नहीं थे। 5 साल के बाद जैसे जैसे वो ग्रो हुआ, उसकी मैच्योरिटी लेवल्स जो है उसके बढ़े, उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडली मे बी मूव होने लगे होंगे, तो उसने सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताया था एंड पेरेंट्स के थ्रू जो है स्कूल में पता लगा था। तो अब मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आप अपने बच्चों को घर में छोटी एज से, अगर मेरा बच्चा अगर 3 साल का है या 4 साल का है, धीरे धीरे करके आप उन लोगों को उनके बॉडी पार्ट्स के बारे में, इसके बारे में पहले भी गुड टच बैड टच के बारे में तो पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी आप कंटिन्यूसली उनको बताते रहें कि आपके ये प्राइवेट बॉडी पार्ट्स है जिस पे सिर्फ आपका अधिकार है और उसको कोई भी नहीं छू सकता है। स्पेसिफिकेशंस आप बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है इन योर वे, आपको लगता है कि आपके बच्चे किस एंगल में कैच करते हैं आप उनको ज़रूर बताएं। सो यहाँ पे पॉइंट ये है, पेरेंट्स क्या सोचते हैं हमेशा कि बच्चों को ना हम ऐसी चीज़ों से दूर रखें तो बेटर है, उनको कुछ ना पता लगे तो अच्छा है। आप उनको पता नहीं लगने देंगे तो खाली
आपके लिए वो अच्छे हैं, लेकिन कल सोसाइटी में जब उनको कोई बहलाएगा, फुसलाएगा, कुछ भी कराएगा, वो उनके बहकावे में आ जाएंगे। इसलिए आप उनको हर चीज़ की नॉलेज दीजिए, शर्म मत कीजिए। ये नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आज बिठा के उनको पूरा सेक्स के बारे में बता दो, नहीं। बट ग्रेजुअली व्हेन यू विल कीप शेयरिंग थिंग्स विद देम, दे विल अंडरस्टैंड, ओके दिस 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 दिस। सो एट अ पॉइंट व्हेन यू विल एक्सप्लेन लिटिल बिगर थिंग्स टू देम, इट विल नॉट बी अ सरप्राइज फॉर देम, रादर दे विल टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। एंड आप उनको जिस तरह से सिखाएंगे, कल वो चार लोगों के साथ भी अगर शेयर करेंगे इन अ इन्फॉर्मेटिव वे, तो ऐसी सिचुएशंस हमको एनकाउंटर नहीं करनी पड़ेगी। सो प्लीज़, मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इस चीज़ के बारे में एजुकेट कीजिए। जो बच्चे इस चीज़ में सफ़र हुए हैं, मे बी कुछ जिसने सफ़र किया उसने बोल दिया, एंड जिसको आदत लग गई है वो क्या कर रहे हैं, वेदर दे स्टॉप डेट और नॉट, हु नोस, और या तो उन्होंने और किसी और को भी सिखा दिया, वी डोंट नो, राइट। तो जब ये चीज़ें पता लगती है, हमको एक डर क्रिएट हो जाता है, हमारे बच्चे स्कूल में कर क्या रहे हैं। मतलब बड़े बच्चों का ये हाल है, छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइक कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। हर चीज़ को कमर्शियली देखा जा रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि मेरा पॉइंट क्या है। गुड टच के बारे में लड़का लड़की दोनों को सिखाएं, बिकॉज हर टाइप के लोग होते हैं, हमेशा हर लड़की को ही मुश्किल नहीं होती है, लड़कों को भी होती है। तो उनके बारे में सिखाएं। एंड कौन से एक पीरियड के बाद लड़कियों को पीरियड शुरू होते हैं, पीरियड शुरू होने पे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एंड लड़कों को भी एक मैच्योरिटी, एक एज होती है, उस टाइम पे क्या होता है, हाउ दे फील, यू शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग टू देम। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर चीज़ आप ही एक्सप्लेन कर दो, आपको आपके फैमिली एटमॉस्फेयर के हिसाब से, अगर फादर ज़्यादा फ्रेंडली है तो लड़कों को फादर बता सकते हैं, बिकॉज दैट विल बी मोर बेटर। लड़कियों जो है उनकी मदर्स बता सकती हैं। तो इस तरह से जो है आप उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अगर कल आपके बच्चे इस चीज़ से सफ़र हो जाते हैं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो ये केसेस जो है अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एंड फिर भी जो कर रहा है वो पकड़ में नहीं आया है। हम लोग को देखने के लिए जो न्यूज़ मिलती है या सुनने के लिए मिलती है, वो एक दो होती है, लेकिन हम सोचते हैं शायद इस सिटी में तो एक ही होगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत लोग हैं। चाहे कोई कुछ भी समझे, लेकिन आप अपने बच्चों को अगर सेफ देखना चाहते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनको एजुकेट करें। एजुकेशन डजंट मीन ओनली द बुकिश नॉलेज, इट इज़ एवरीथिंग। सो आप उनको वो नॉलेज दें, ताकि हम लोग को ऐसे केसेस एनकाउंटर करने के लिए नहीं मिले। आप अपने बच्चों को ब्रेव बनाइए कि अगर आपके साथ ऐसा कोई बिहेव भी करता है, उसको उल्टा अगर आप उसको फेस करने के लिए फिजिकली स्ट्रांग एनफ हो, तो अब तो फेस कर लो। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, उस टाइम तो चुप रहो, अपने किसी टीचर को जाके बता दो, या किसी सर को जाके बता दो, या कल को आके मम्मी को या डैडी को बता दो। तो उनमें आप ये वाली जो है कॉन्फिडेंस बिल्ट करके रखिए, ताकि कल को अगर ऐसी सिचुएशन वो एनकाउंटर भी करते हैं, तो वो आपको तुरंत नेक्स्ट डे आके बताएं, या उसी टाइम पे नेक्स्ट आवर आके बताएं। ये नहीं कि 5-7 साल जो है उस चीज़ को सहते रहें। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, एंड आप इस पर अमल कीजिए अभी से। अगर आपने ये वीडियो अभी देखा है, तो अभी से अमल कीजिए, अभी बैठ के अपने बच्चों को किसी ना किसी एंगल में बताइए, बिकॉज अब बस ऐसी न्यूज़ और नहीं सुननी। मेरी तरफ से मैंने सब कुछ इसके बारे में क्लियर कर दिया है। अगर आपको और कोई टॉपिक्स भी चाहिए, जिस पे आपको लगता है इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करना ज़रूरी है, तो डू कमेंट मी, आई एम रेडी टू स्पीक अबाउट इट। तो आप अपने व्यूज़ इस पे शेयर कीजिए, एंड जो कहा है उस पे अमल कीजिए। मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, अब बारी है आपकी, इन चीज़ों को बढ़ने नहीं देना है बिल्कुल। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।